दोस्तों नमस्ते माय डियर यंगेस्ट फ्रेंड्स और न्यूली इंटर्नशिप फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में हम लोग शामिल हो रहे हैं और आज के टॉपिक को अपने एड्रेसिंग करनी है, उन्हें जो है इस संदर्भ में अपना जो प्रोजेक्ट बना है उसको ये प्रोड्यूस करेंगे और हमारे साथीगण उससे लाभान्वित हों। So, good afternoon, everyone. This is me, Bushra Rao. I have a co-presenter, Samapti Kaur, and we present this topic, domestic violence against women during the COVID-19 pandemic on behalf of Justice for Society. I welcome you, Prakash Ranjan sir, who is the president of Justice for Society, who is also an advocate, and Secretary Rinki Sinha ma'am, and Advocate Patna High Court, Sujit Kumar Sinha. And ADJ Anjan Srivastav sir, who is session judge Patna. So Prakash Ranjan sir is the founder of Justice for Society, जो कि 2012 में found हुआ था. Further on इनको lead कर रहे हैं अभी अवधेश कुमार सर और सुजीत कुमार सर. Justice for Society has its branches in different states like हरियाणा, पंजाब, लखनऊ, etc. एंड दे हैव बीन प्रोवाइडिंग जस्टिस फॉर द होल सोसाइटी. ये लोग गरीब बच्चों को भी हेल्प करते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड को हेल्प करते हैं, वुमेन्स लोग को हेल्प करते हैं. इट्स लाइक स्प्रेडिंग एजुकेशन थ्रू आउट द स्टेट, जिनको जरूरत है उनके लिए जस्टिस प्रोवाइड करना. दिस इज देयर मेन मोटो. फर्दर ऑन दे आर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप टू लॉ स्टूडेंट्स लाइक अस एंड अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. सो इफ यू सो प्रकाश रंजन सर, इफ आई हैव योर लाइक अनुमति है तो मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं. यस, ओके, आप स्टार्ट करें। हाँ, थैंक यू सर. सो नेक्स्ट आई हैंड ओवर द स्लाइड टू माय को प्रेजेंटर समाप्ति कर. शी विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट डायरी प्रिवेंशन एक्ट एंड शी विल लेट यू नो फर्दर अबाउट दिस प्रेजेंटेशन. समाप्ति कर, प्लीज कम एंड टेक द प्रेजेंटेशन फ्रॉम हियर. There is another act, which is Dowry Prohibition Act, and which is enacted in the year 1961. So first of all, we all have to know that what is dowry. Dowry क्या होता है? ये हम सब पहले से ही सुने हुए हैं ये dowry चीज को, लेकिन हम सबको पता नहीं है कि actual में ये होता क्या है. So the definition of dowry is given under this act, that is any valuable property which is directly or indirectly given to the daughter at the time of the marriage is called dowry. So ये क्या है? जब भी एक लड़की शादी होके अपने ससुराल जाती है तो जो भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिया जाता है, उसी को ही डाउरी कहा जाता है. तो ये डाउरी, ये जो दहेज प्रथा, ये बहुत सालों से चली आ रही है हमारी सोसाइटी में और ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है. जैसे कि ये सीरियस इतना दिखाई देता नहीं है, पर इसका इम्पैक्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतना सीरियस है कि उसको बयां किया नहीं जा सकता है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जो साउथ एशियन रीजन से हमारा, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, उस सब जगह पे सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं. और ये डाउरी डायरेक्टली एक डोमेस्टिक वायलेंस है नहीं, पर इनडायरेक्टली ये बहुत सारे वायलेंस को एग्रेवेट करता है. सो इट्स ए एग्रेवेटेड फॉर्म. जब जब अपने जब एक लड़की शादी होके अपने ससुराल जाती है तो सबसे पहले उसको अपने ससुराल में पूछा जाता है कि और बेटा अपने घर से लाए क्या हो. तो यहाँ पे सबसे पहला वो मेंटली टॉर्चर होना स्टार्ट हो जाती है. तो तभी जब जब एक लड़की शादी करके जाती है, उसके मन पे बहुत सारे एक नया स्टार्ट, जर्नी स्टार्ट करेगी, ये सब सोच के जाती है. पर जब उसको ये दहेज के लिए बार 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 पूछा जाता है और उसके अपने घर वालों को भी हरास किया जाता है, तो वो मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर होती है. तो यहाँ से ही उसके ऊपर जो मतलब शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न स्टार्ट होता है. तो ये ऐसे ही डाउरी, ये डाउरी ही इसी तरह से ये वायलेंस क्रिएट करता है. और इंडियन नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो के अनुसार प्रतिदिन 20 डेथ ड्यू टू ओनली ड्यू टू द डाउरी
फाइल होते हैं, एंड इट्स द मोस्ट सीरियस एंड एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। और इसके लिए पनिशमेंट भी है, जैसे कि डाउरी लेने और देने के लिए है पनिशमेंट, जो कि इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 5 ईयर्स एंड विथ फाइन नॉट लेस देन 15,000, एंड इट कुड बी मोर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ डाउरी। एंड देयर इज ऑल्सो पनिशमेंट फॉर डिमांडिंग डाउरी विच इज which is 2 months, which is not less than 2 months, and which is extend to 2 years, and the fine is 10,000 rupees. Then we all यहाँ से हमें पता चला कि ये डाउरी से हमें कितना ज्यादा, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होना पड़ता है, महिलाओं को कितना ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होना पड़ता है। तो अभी हमें ये एक्ट में जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको जानना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन कौन ये इसको ट्राई कर सकते हैं, ये केसेस को ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब केसेस ओनली मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और द फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ही ट्राई कर सकते हैं, और उनसे कोई भी इंफीरियर मैजिस्ट्रेट या कोई भी इंफीरियर कोर्ट में ये फाइल किया नहीं जा सकता है। देन कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस, सो कोई भी कोर्ट इसके कॉग्निजेंस नहीं ले सकते एक्सेप्ट अगर इस चीज का इस उसके ऊपर कोई नॉलेज हो, या कोई भी पुलिस रिपोर्ट बनाया हुआ हो उस ऑफेंस के लिए, या कोई भी कॉम्प्लेन जो कि दर्ज किया गया हो किसके द्वारा, ना वो एग्रीव्ड पार्टी के द्वारा और उसके पेरेंट्स और उसके रिलेटिव्स और एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए है, जो इंस्टीट्यूशन, उन लोगों के द्वारा ही कंप्लेन फाइल किया जा सकता है, और तभी जाके कॉग्निजेंस लिया जा सकता है ये केसेस का। देन देन वी कम टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हाउ कैन वी रेस्पॉन्ड टू द प्रॉब्लम। तो अभी तक हमें पता चला कि ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ये अभी तक हमें डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में हम लोग को पता चला, और वो कैसे हमारा डोमेस्टिक वायलेंस के साथ रिलेटेबल है वो भी हमें पता चला। तो अभी हमको ये जानना है कि हम कैसे रेस्पॉन्ड करें ये सब प्रॉब्लम के साथ। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें इनिशिएट करना पड़ेगा अवेयरनेस कैंप। तो जैसे कि हम लोग लॉ स्टूडेंट्स है, सिर्फ लॉ स्टूडेंट नहीं, हर कोई को अवेयरनेस कैंप स्टार्ट करना पड़ेगा। जो सब लॉ है रिलेटिंग टू दिस डोमेस्टिक वायलेंस, हम सबको उस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के तक पहुंचाना पड़ेगा, जिसके द्वारा कि मेन मोस्ट इम्पोर्टेंटली वुमेन जो कि रूरल प्लेस में रहते हैं, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि उनके लिए क्या क्या लॉज बनाए गए हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीज है, उनको क्या क्या चीज मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है, जिसके लिए उनको लड़ना चाहिए, ये सब चीज कोई भी चीज के लिए उनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो उस सब चीज के लिए हमें अवेयरनेस कैंप्स करना पड़ेगा, जो कि स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, हर जगह पे हमें अवेयरनेस कैंप्स करना पड़ेगा, और हमें राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ वुमेन उनको बताना पड़ेगा। सब सब जब अवेयर होंगे, हम सब एक साथ जब सचेतन होंगे, तभी ही हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, हम अपना समाज को एक नया दिशा दे पाएंगे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पुलिस हेल्थ एंड सोशल सर्विसेस। जैसे कि हम सबको पता है कि पुलिस हेल्थ एंड सोशल सर्विस ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर्स ऑफ आवर सोसाइटी है, तो ये सबके बीच हमेशा कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहना चाहिए, तभी जाके हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। ये हर कोई एक प्रॉब्लम उसको जड़ से हमें जानना चाहिए, और उसको कैसे सॉल्व करें उसके लिए हमें अपने बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए। जैसे कि पुलिस पुलिस क्या करता है कि सबसे पहले जब हम केसेस फाइल करने जाएंगे, तो कैसे वो केसेस को अच्छे से रजिस्टर करे विदाउट एनी जजमेंट, और सबसे ज्यादा जल्दी कैसे उसको रजिस्टर करे उसके लिए उसको तत्पर होना चाहिए। और उसके बाद जो हेल्थ सर्विसेस हैं, उनका हेल्थ सर्वेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा हेल्थ सर्विसेस कैसे हर जगह पे पहुंच सके, हर वुमेन के पास हर वो चीज, हर वो हेल्थ सर्विस पहुंच सके, जिसके द्वारा कि वो अपने वो अच्छे से रह पाए, वो हेल्थ सर्विसेज अच्छे से उनको प्रोवाइड कैसे कर सके, वो हेल्थ सर्वेंट का मेन ड्यूटीज है। देन सोशल सर्विसेज,
सोशल सर्विसेज क्या है ना, सोशल सर्वेंट को अच्छे से अवेयर करना पड़ेगा सोसाइटी में हर लॉज, जो सभी लॉज चल रहा है वो सबको हर हर तरह के लोगों के पास पहुंचाना पड़ेगा, और लोगों का क्या उसके ऊपर क्या रिमार्क्स है और लोगों का क्या पेन है वो सबको लाके पुलिस, हेल्थ सर्विसेज, इन लोगों के पास लाके बताना पड़ेगा। तो इस तरह के सब, इस तरह से उन लोगों के बीच कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन रहता है और ये प्रॉब्लम को टैकल कर पाते हैं। देन डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड बेसिक नीड्स। तो जैसे कि हमें पहले से ही पता चल रहा है कि बहुत सारे जगह पे हैं अभी तक हेल्थ सर्विसेज और बेसिक नीड्स अभी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। मेन जैसे कि विमेन, दे आर द मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन इन द सोसाइटी। आज आज भी हम लोगों के घर में भी, हर किसी के घर में जब भी एक विमेन कोई भी चीज के लिए, अपने चीज खुद से नहीं खरीदती है, हमेशा वो और किसी के ऊपर डिपेंड करती है अपने छोटे से छोटे चीज के लिए। तो ये सब चीज के लिए वो खुद इंडिपेंडेंट कैसे हो, और उसके पास अपने हर हेल्थ सर्विसेज और बेसिक नीड्स उसके पास पहुंचना चाहिए, जैसे कि उसको उसका सैनिटरी पैड्स हो, या उसके उसके सैनिटरी पैड्स हो, या उसके मेडिसिन हो, या कोई भी चीज जो भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब उसके पास पहुंचना चाहिए। तो ये डिलीवरी सर्विसेज अच्छा, अच्छे से अच्छे अगर अच्छे से अच्छे से हो सके तो हम लोग उसके बेसिक नीड्स को प्रोवाइड कर पाएंगे। देन प्रोविजन ऑफ मैकेनिज्म टू रीच वीमेन इन द एरियाज हैविंग लिटिल और नो कम्युनिकेशन। इंडिया में अभी भी बहुत सारे पार्ट्स थे, अभी भी हम बोल तो रहे हैं कि इंडिया बहुत प्रगतिशील है, बहुत आगे बढ़ रहा है, पर वैसे है कुछ नहीं। अभी भी बहुत सारा जगह है जहाँ पे, बहुत रूरल एरियाज है जहाँ पे अभी भी इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं पा रहा है, उनका क्या प्रॉब्लम है वो हम लोग भी नहीं जान पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम जब पता नहीं चलेगा तब वो सॉल्व कैसे होगा? तो हमें वहां तक पहुंचना चाहिए, वो रूरल एरियाज को पहुंच के वो वहां पे जो वेमेन है उन लोग को अच्छे से अच्छा सीख देना चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, उनका बेसिक नीड्स को उनको प्रोवाइड करना चाहिए, उनको हेल्थ फैसिलिटीज देना चाहिए। तभी जाके हम उनको, जब उस जगह पे उनका डेवलपमेंट हो सकेगा तभी ही इंडिया का ऑल टोटल डेवलपमेंट हो पाएगा। देन वी कम टू अवर नेक्स्ट प्रोविजन, जैसे कि देन वी कम टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट कैन बी डन टू एड्रेस डोमेस्टिक वायलेंस ड्यूरिंग लॉकडाउन। सो कैसे हम डोमेस्टिक वायलेंस को एड्रेस कर सके, ये लॉकडाउन में कैसे एड्रेस करें? तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर इज दैट, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, गवर्नमेंट को सबसे पहले प्रॉब्लम जानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या। जब तक हमें प्रॉब्लम पता नहीं है तब तक हम उसके सॉल्यूशन कुछ निकाल ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या, देन उसको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको स्कीम और प्लान्स गवर्नमेंट बनाता है। देन जब प्लान्स और स्कीम बन चुका होगा देन आइडेंटिफाई करेगा कि किस वे में हम उसको एक्सेस कर सके, हर तरह के लोगों के पास वो कैसे पहुंचेगा। और जैसे कि अभी कोविड चल रहा है तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग को मेजर करके सब स्कीम को कैसे हम सही ढंग से पेश कर सके सबके सामने, वो सब चीज गवर्नमेंट के ऊपर है। तो गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर ये सब चीज को ध्यान में रख के ही हर कोई पॉलिसी बनाएंगे। देन वी कम टू द हेल्थ फैसिलिटीज। तो सबसे पहले क्या होगा कि हेल्थ फैसिलिटीज जो सब हैं, तो सबसे पहला ड्यूटी उनका ये है कि लोकेलिटीज में क्या क्या सर्विस अवेलेबल है, ये डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, या प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या हेल्थ फैसिलिटीज, क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं, सबसे पहले उसका इंफॉर्मेशन गैदर करें। तो जैसे कि हॉटलाइंस नंबर हो, शेल्टर हो, रेप क्राइसिस सेंटर हो, काउंसलिंग सेंटर हो, ये सब चीज का इंफॉर्मेशन उनके पास गैदर होना चाहिए। जैसे कि हॉटलाइन नंबर, जिस नंबर पे हमको तुरंत हम संपर्क कर सके, हमारा कोई भी एक प्रॉब्लम होने से हम कैसे संपर्क करें, उस चीज का वो है या नहीं अच्छे से, उसके उसका वो अवेलेबल है या नहीं, उस सर्विस को भी उस इंफॉर्मेशन उनके पास रहना चाहिए। देन शेल्टर, ये जैसे कि ये टोटल वीमेन प्रोटेक्शन का पहला, सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि टू प्रोवाइड शेल्टर। क्योंकि जब भी एक वीमेन अपने घर के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ भी आके कंप्लेन दर्ज करती है तब उसको घर से ही निकाल दिया जाता है, सबसे पहला चीज वो होता है। तो सबसे पहला उसको
घर, उसको उसके बच्चों को कैसे घर दे सके, कैसे उनको शेल्टर प्रोवाइड कर सके और बेसिक नीड्स प्रोवाइड कर सके, सबसे पहला चीज वही होता है। और रेप क्राइसिस सेंटर और काउंसलिंग सेंटर, उन जब वो आके और एक जगह पे रहते हैं, वो मेंटली बहुत हिले हुए रहते हैं, तो उनको कैसे अच्छे से काउंसलिंग कर सके, वो उनको कैसे उनको मेंटली स्टेबल स्टेबल कर सके, उस चीज को भी हमको ध्यान दे के चलना पड़ेगा। तो ये सब चीज हेल्थ फैसिलिटीज के अंडर आता है। देन वी कम टू द हेल्थ प्रोवाइडर्स, जैसे कि उसमें भी वही चीज रहता है कि कैसे सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन सपोर्ट हो सके। जैसे कि कोई भी आके अगर हमें बोल रहा है कि वो कोई भी आके बोल रहा है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो रहा है, तो विदाउट एनी जजमेंट, कोई भी जजमेंट ना करके उसकी बात को हम सुने। और अदर हेल्थ प्रोवाइड, कोई भी अगर उनको हेल्थ इश्यू हो और मेडिकल ट्रीटमेंट उनको रेलिवेंट मेडिकल ट्रीटमेंट उनको जल्दी से जल्दी चाहिए हो, तो उनके कैसे उनको जाके पहुंचाए, उनको फीलिंग्स को हम समझे, उनको उनका एक्सपीरियंस को हम समझे, और कैसे उनको वो सेफ रहे, वो सर्वाइवर्स जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हम सपोर्ट कर सके और अच्छे से वो कैसे रहे, उस चीज के ऊपर हम ध्यान दे सके, ये एक चीज है। देन वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, द ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्स ऑर्गेनाइजेशन। सो इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस एंड वीमेन कमीशंस, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि वीमेन के प्रोटेक्शन के लिए ही काम करते हैं, जो जिनका मेन सब्जेक्ट यही होता है कि जो भी वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट वीमेन एंड देयर चिल्ड्रेन ड्यूरिंग दिस कोविड-19, तो उस सब का एक डाटा कलेक्ट करें और उसका रिपोर्ट बनाएं और अच्छा से अच्छा प्लान बनाएं, जैसे कि उसको ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। देन वी कम टू द कम्युनिटी मेंबर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं तो हम हमेशा एक कम्युनिटी के अंदर ही रहते हैं, तो अगर कोई भी हमको प्रॉब्लम हो, सबसे पहले हम अपना कम्युनिटी को ही जाके बोलते हैं कि हम हमारा ये प्रॉब्लम हुआ है, इसका सोल्यूशन क्या है, हम लोग सबसे पहले उन्हीं के पास ही जाते हैं। तो हम कम्युनिटी मेंबर का सबसे बड़ा ड्यूटी वही रहना चाहिए कि वो हमेशा दे मस्ट बी अवेयर ऑफ द इंक्रीज रिस्क ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन ड्यूरिंग द पैंडेमिक, एंड वो हमेशा कीप इन टच, मतलब टच में रहना चाहिए उस वुमेन के साथ, जो लोग उनको जो पता है कि जो लोग धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, और अच्छे से अच्छा इंफॉर्मेशन उनको दे सके, प्रोवाइड कर सके, और खुद भी रखे कि क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम बना रहा है, क्या क्या वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या लॉज बना रहे हैं, जो कि वो अवेलेबल कर सके वो वुमेन के पास। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि जब भी एक महिला या जब भी एक लड़की अपने घर के खिलाफ भी आके कंप्लेन दर्ज करती है, तो अपने वो जो चीज, और जब वो कंप्लेन पता चलता है अपने घर उसके घर में जो अब्यूजर है उसको जब पता चलता है, वो और ज्यादा उसको अब्यूज करने लगता है, तो इसीलिए कम्युनिटी मेंबर का सबसे प्रायर ड्यूटी यही है कि वो एंश्योर रहे कि इज इट सेफ टू कनेक्ट विद द वीमेन व्हेन, तो जब भी अब्यूजर घर में ना हो तभी उसी टाइम में ही वो उससे संपर्क, कम्युनिटी मेंबर उस लड़की के साथ या उस महिला के साथ उसी टाइम संपर्क करके उसका बात को सुने। देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वुमेन एक्सपीरियंसिंग द वायलेंस। सो ये क्या होता है, ये जो विक्टिम है, जो वुमेन ये डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होते हैं, उनका ड्यूटीज क्या है, उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला, जैसे कि ये एक बहुत ओल्ड कोट है जो कि स्टैंड फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, तो अगर हम खुद के लिए ही नहीं खड़े हो पाएंगे तो और क्या, और कौन क्या हमको क्या, मतलब क्या हेल्प करेंगे जब हम खुद के लिए ही नहीं खड़ा हो सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हमेशा अपना मेंटली और फिजिकली स्टेबल रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स जो सपोर्टिव है उनके साथ हम बात करें, वो वुमेन हमेशा बात करना चाहिए, जो भी ये डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो रहे हैं वो हमेशा रीच आउट करना चाहिए उनको, जो भी उनको सपोर्ट करे उनके पास जाके अपना प्रॉब्लम को बताना चाहिए और उनसे सपोर्ट लेना चाहिए। देन हॉटलाइन नंबर्स जो सब मौजूद है उनको भी, उस पे भी संपर्क करना चाहिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तब,
और अदर जो लोकल सर्विस है, पुलिस स्टेशन है, वो सब का इंफॉर्मेशन उनके पास रहना चाहिए। देन अपना एक सेफ्टी प्लान करना चाहिए। अगर उनको पता है कि उनके ऊपर कुछ डेंजर है, उनके उनके बच्चों के ऊपर कुछ डेंजर है, तो उनको सबसे पहले एक सेफ्टी प्लान बनाना चाहिए, जिसके द्वारा कि वो वहां से तुरंत कहीं और जा सकते हैं, अपने फैमिली या फ्रेंड या नेबर कहीं भी शेल्टर ले सकते हैं और उस उत्पीड़न से बच सकते हैं। तो ये उनका प्रायर ड्यूटी है, खुद को सुरक्षा देना सबसे बड़ा चीज है। देन कुछ कुछ टिप्स हैं जो कि हमें स्ट्रेस को कोप करने के लिए ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, और जो सब डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो रहे हैं, उन लोग वो लोग कैसे अपने स्ट्रेस को कम करें, उसके ऊपर कुछ टिप्स हैं तो सबको जानना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है, ये कोविड के टाइम में हम सब घर में रह रहे हैं, और घर में रह रहे के हम लोग जो सोशल आइसोलेशन, क्वारंटाइन और डिस्टेंसिंग के द्वारा हमारे ऊपर ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। तो सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, हमारे फैमिली मेंबर के ऊपर भी साइकोलॉजिकल जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, वो सबसे बड़ा चीज है। हम जब अपना जैसे कि बॉडी में थोड़ा पेन होने से हम डॉक्टर को दिखा देते हैं, पर जब मेंटली कुछ टॉर्चर होता है, मेंटली पेन होता है, तब हम किसी के पास जाके उसको बोलने से हिचकिचाते हैं। तो ये चीज दूर करना चाहिए। जैसे कि ये डोमेस्टिक वायलेंस जिन वुमेन के ऊपर होता है, उनके ऊपर भी ज्यादातर ये साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट ज्यादातर पड़ता है। तो उनका जो स्ट्रेस लेवल को कम करना सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज है। तो उनको क्या क्या करना चाहिए? तो अपने दोस्त, अपने सपोर्टिव फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स, कोई भी जो उनको सपोर्ट करता हो, उनके साथ हमेशा बात करना चाहिए, अपने प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए और उनसे कुछ सलाह लेना चाहिए, और हमेशा एक सेफ्टी प्लान रखना चाहिए। अगर कोई भी डेंजर हो उनके ऊपर, उनको पता है कि उनके ऊपर कोई डेंजर है, तो उससे पहले उनको सेफ्टी प्लान तैयार करके रखना चाहिए। हमेशा एक रूटीन बनाना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए एक अच्छा सा रूटीन, जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल रहना चाहिए, जिसमें कि योगा, मेडिटेशन, हर चीज इंक्लूड रहना चाहिए। तब जाके जब हम प्रोडक्टिव रहेंगे, हमेशा हम हर चीज में हमेशा प्रोडक्टिव रहेंगे, तो हम ज्यादा टाइम सोचने में गवा नहीं करेंगे। तो अगर ज्यादा टाइम हम सोचने में नहीं देंगे, तो इतना मेंटली टॉर्चर हम नहीं होंगे। तो ये भी एक चीज है जिसके द्वारा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो हो रहा है वो थोड़ा कम हो सकेगा। देन जो सब इंफॉर्मेशन आ रहा है, ये डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ जो सब भी न्यू लॉज हैं या कुछ भी, वो सब जो रिलायबल सोर्सेस हैं से आ रहे हैं, वो सबको, वो इन्फॉर्मेशन को उसको गैदर करना चाहिए, उससे उसको सीख लेना चाहिए। देन यही सब टिप्स हैं जिसके द्वारा कि वो अपना स्ट्रेस लेवल को कम कर सके। देर इज अनदर स्लाइड विच इज अबाउट जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है। 5 स्टेप हैं जिसके द्वारा कि हम जो वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट वुमेन, उसको बंद कर सकेंगे। तो दिस इज ए रोल फॉर द हेल्थ सेक्टर। द फर्स्ट वन इज टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेस फॉर द सर्वाइवर। जैसे कि हम बोले हुए हैं पहले से कि हेल्थ सर्विसेस अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करना चाहिए सर्वाइवर को। देन सेकेंड वन इज टू कलेक्ट डाटा अबाउट द प्रिवेलेंस एंड रिस्क फैक्टर एंड द हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। तो हर टाइप का डाटा को हमको कलेक्ट करना पड़ेगा। देन थर्ड वन इज टू प्रिवेंट वायलेंस बाय फोस्टरिंग एंड इन्फॉर्मिंग प्रिवेंशन प्रोग्राम। बहुत सारा प्रोग्राम करना पड़ेगा हमको, इन्फॉर्मिंग प्रिवेंशन प्रोग्राम, जिसके द्वारा हम सबको पता चले कि लॉज क्या क्या है, वायलेंस के खिलाफ क्या क्या, उसके अगेंस्ट में बहुत सारे इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स अरेंज करना पड़ेगा। देन इन्फॉर्म पॉलिसीज टू एड्रेस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। देन फिफ्थ वन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज एडवोकेट फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो जैसे कि ये हर एडवोकेट, हर लॉ स्टूडेंट, सिर्फ लॉ स्टूडेंट नहीं, सबका एक ड्यूटी होना चाहिए, क्योंकि सबको ही आके हमारे पास अपना प्रॉब्लम को हमेशा शेयर नहीं कर पाएंगे।
तो हम सबको उनके पास जाना पड़ेगा, प्रॉब्लम के पास हमें जाना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम अवेयरनेस उनके उनके अंदर ला पाएंगे, तभी ही ये प्रॉब्लम को हम अच्छे तरह से इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो टिल नाउ वी ऑल हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, एंड वी ऑल हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द लॉज विच आर रिलेटेड टू द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड ऑल्सो अबाउट द रेमेडीज। सो होप कि ये आप सबको अच्छा लगा होगा, और अगर कोई क्वेश्चन और क्वेरीज हैं तो आप सब पूछ सकते हैं। थैंक यू।